हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। नवरात्रि आने वाली है तो हम माता के नौ रूपों के बारे में देखेंगे कि माता का नौ रूप आखिर है क्या और वो धरती पर कैसे प्रकट हुआ, इससे जुड़ी हम विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मैंने दुर्गा माँ की और वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो को देखी नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम माता के नौ रूपों का विस्तृत जानकारी देखते हैं। हमने यह पहले देख लिया था कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, आज हम उनके नौ रूपों को देखेंगे। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। पुराणों के अनुसार उनका जन्म राज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है, वह वृषभ पर सवार होती है। माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। नवरात्र के पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब होती है उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और इस दिन सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई चढ़ाना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए, इसे अच्छे वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, अर्थात ब्रह्मचारिणी का मतलब तप का आचरण। माँ के दाएं हाथ में तपस्या के लिए माला और दाएं हाथ में कमंडल रहता है, इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप मानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के उस समय का उल्लेख किया गया है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उन्होंने कई वर्षों तक केवल फलों का आचरण किया था और वह तपस्या की थी। माता ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से जिंदगी में त्याग, तपस्या और संयम की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी भाग्यदाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्र होता है और माँ शेर पर विराज होती है। अपने दसों हाथों में त्रिशूल, गदा, चक्र, फूल जैसे अस्त्र धारण किए रहती है और वह अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों को सुख समृद्धि और आजीवन निरोग रहने की शक्ति देती है। नवरात्रों का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इन्हें आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। इनके सात हाथों में कमंडल, कलश, गदा, चक्र, पुष्प, धनुष इत्यादि होता है और इनके आठवें हाथों में जप के लिए माला होती है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मनमोहक होता है। इनकी आठ भुजाओं के कारण इन्हें अष्टभुजी भी कहा जाता है। माता का वाहन शेर होता है। माँ कुष्मांडा के नाम का अर्थ है एक ऊर्जा से भरा छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र ऊर्जावान गोला जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई। नवरात्रों का पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द स्कंद और दूसरा शब्द माता। स्कंद का अर्थक होता है कार्तिकेय, जो पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र थे, मतलब कार्तिकेय की माता। स्कंद माता एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़ी हुई है, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल धारण किया हुआ है और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। माता शेर पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठाती देवी होती है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के कंठ के निचले भाग में स्थित होता है। माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होते हैं और हमारी वाणी की सिद्धि होती है। माता के पूजा से व्यक्ति के आयु बढ़ता है और उन्हें 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी का होता है। इनकी पूजा से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह भय और रोगों को भी दूर करती है।
शादी में आने वाली बाधाओं को बृहस्पति दूर करती है और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। माँ अपने चारों हाथों से एक हाथ में कमल, एक हाथ में तलवार और अपने दोनों हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। कालरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है। काल का अर्थ होता है मृत्यु और रात्रि का अर्थ होता है अंधकार, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सबसे भयंकर रूप होता है। माँ का गहरा रूप है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके चार हाथों में उनका एक हाथ वर मुद्रा है जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा है जिससे भक्तों की रक्षा करती है। माँ के तीसरे हाथ में वज्र पकड़ा हुआ है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। नवरात्रि का सातवां दिन का पूजा करने से भय की दूरी होती है। यह सातवां दिन तांत्रिक क्रिया का साधना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। माँ दुर्गा इस दिन अपने सबसे विकराल रूप में रहती है। माँ कात्यायनी गधे पर सवारी करती है। नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी का होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों की सारी विपत्ति दूर हो जाती है। इनके तेज से ही पूरी पृथ्वी प्रकाशवान हुई थी। माता ने महाताप करके गौर वर्ण को प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें महागौरी की कहा जाता है। यह अपने चार हाथों में, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में गदा, तीसरा हाथ उनका अभय मुद्रा में रहता है और चौथा हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी बैल पर सवार करती है। नवरात्रि का नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ होता है देने वाली। माँ अपने चार हाथों में, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में कमल धारण करती है। माँ का यह रूप दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहता है। माता सिद्धिदात्री साक्षात कमल पर विराजमान होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से गरिमा, अरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिष्ट, वशिष्ठ आठ सिद्धियों की प्राप्ति होती है और ईर्ष्या, द्वेष, भय से मुक्ति होती है। तो ये थे माता के नौ रूप। क्या आपसे पहले माता के इन नौ रूपों के वर्णन के बारे में पता था? इन सभी नौ देवियों की अलग अलग कहानी है। मैं इसकी एक अलग से वीडियो लाऊंगी। अगर आपने इससे पहले मेरे और माता दुर्गा शेर पर ही सवार क्यों करती है ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल पर अनेकों प्रकार की वीडियोस मिलती रहेगी। और आप इस नवरात्रि पर क्या स्पेशल करने वाले हैं मुझे ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।